आयरन मैन बहुत दिमागदार आदमी है, उतुरी खतारा साइकिल कैट टू फरारी कार में बदल सकता है, या ज्योमेट्री बॉक्स कैट टू ड्रोन में, लेकिन कॉमिक्स में वो कुछ ऐसा किसरा जो उनकी अद्भुत अविश्वसनीय यम पॉसिबल है। वो द ब्लाइंड निंजा ऑफ हेल्स किचन डेयरडेविल को के नगीने वापस लौटाई दिस रहा, मतलब वो की आंख ठीक कर दिस रहा। तो सुपीरियर आयरन मैन कॉमिक सीरीज में आयरन मैन साइकिक पावर ड्रेस्कल से लड़े के बाद बहुत ज्यादा घमंडी बन गया और सैन फ्रांसिस्को का अपनी अयासी का अड्डा बना के एक ऐप लॉन्च की, एक्सट्रीमस 3.0, जो उनकी कोनो भी आदमी का हैंडसम और इंटेलिजेंट बनावट है। पर ये ऐप का यूज करने के लिए तुम्हें डेली $99 देख पड़ी, जिसकी वजह से जो उनकी बहुत ज्यादा अमीर रहते हैं वही ऐप का यूज कर पावत है, और ये ऐप का यूज करने में गरीबन की गणियां फट जाती, जिसकी वजह से अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा लफड़ा होता है। जहां अमीरवन ये ऐप का यूज करने की वजह से अपने आप का बहुत ज्यादा सुपीरियर मानते हैं, पर इसी डेयर डेविल का पसंद नहीं होती तो वो स्टार्क से होकर जल्दी से हैंडसम और इंटेलिजेंट बने वाले ऐप के बारे में बात करे जाते हैं। पर बातचीत ज्यादा देर तक चलती नहीं और आयरन मैन डेयर डेविल की गर्दनिया पकड़ के उठावत है और पन्नियम फेंक देता है, जैसे कि वो डेयर डेविल का बाप हो और डेयर डेविल एग्जाम में फेल हो गया है, जिसकी वजह से वो अपने बाप से मार खाता है। तो सबका डेयर डेविल के टू बात बताई देता हूँ, एक ही सबसे बड़ी वीकनेस पानी है, पानी में साकुरा से भी ज्यादा यूजलेस है, एक ही कोनो पावर्स पानी में काम नहीं करती। डेयर डेविल जैसे तैसे कहीं पानी से बाहर निकला था और नोटिस करता है कि आयरन मैन पार्टी करता है, जहाँ डेयर डेविल उनका एंटरटेनमेंट रहा। फिर मैट का एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर दी है, कहा कि एक ही वजह से स्टार्क का घमंड और बढ़ जाता है। स्टार्क अपनी पार्टी में कुल मिला का बुलाया के टू अनाउंसमेंट करता है, जहाँ बताओ कि ओका ऐप कितना ज्यादा महंगा है, ओका पे करे में अच्छे अच्छे की गड़ियां लाल हो गई है। तो वो एक दिन के लिए शहर का पूरा चक्कर लगाई है और जब तक तू आयरन मैन के 50 फीट के दायरे में रहियो तब तक तू सब ओके ऐप का 24 घंटे के लिए फ्री में यूज कर सकते हो। और अगले दिन ही बंदा बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था, ये अपना सूट पहन के शहर का पूरा चक्कर लगावा था और कुल मिला के पीछे पीछे एक ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। पर एक आदमी स्टार्क के पास आवा था और बतावा था कि ओके ऐप का पैसा भरे में एक लड़के की जान चली गई। अब पता नहीं ओका लड़का कैसे कैसे उधार लिस रखी ओकी जान चली गई, लेकिन फिर भी ये आदमी अटू कट्टा निकाला था और स्टार्क के मुंह पे रख के दाग देता है। ऐसे आयरन मैन का कुछ नहीं होता और फिर आयरन मैन ओका उठा के हवा में लेके जाता है और दूसरी बात बोला था। पहला, ओका कुछ नहीं हुआ, कहे की अल्ट्रा फल्ट्रा जल्ट्रा ट्रांसपेरेंट मास्क पहनी है जो उनकी ओका कुल चीज से बचावा था और उनका हैंडसम चेहरा भी कुल का दिखावत है। दूसरी बात, वो यदमिया का धमकावत है कि अगर तुम ऐप का यूज नहीं किए तो मैं तुका मार डली हूँ, और इतनी ऊंचाई पे आवे के बाद उनकी गणिया इतनी ज्यादा फट जाती कि वो ऐप का यूज करने के लिए मान जाता है। तिब्बतिया को उन्होंने जान पाते सिवाय डेयर डेविल के, डेयर डेविल दोनों की पूरी बात सुन लेता है। फिर से आयरन मैन का रोके के लिए घर आ जाता है, जहाँ टोनी नशे में धुत पड़ा रहा था, डेयर डेविल ओका अंधेरे में उठावत है। अब हम लोग वो देखे थे जो उनकी डेयर डेविल अपनी अंधी आंख से देखा था और टोनी एकदम अंधेरे में है, ओका कुछ नहीं दिखाई देता। वो यहाँ चाहे डेयर डेविल का मारे कोशिश करता है या ओका नुन्नू पकड़े कोशिश करता है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेयर डेविल के पास यहाँ पर एंड है। तो डेयर डेविल टोनी का किडनैप कर लेता है ताकि ऐप का ये जोन 24 घंटा वाला सिस्टम है ये खत्म होने के बाद टोनी कुछ न कर पावे। लेकिन आयरन मैन कैसे छूट के अपना लिक्विड सूट जोन की अब ओके खून में दौड़ता है, जोने का वो कहीं भी कैसे भी कोनो भी पोजीशन में पहन सकता है। इनके मैट से कहा था मेरे पास तो रिलेट टू गिफ्ट है और डेयर डेविल को आंख पे टू झटका देके बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बेहोश होने के बाद मैट मॉडोक उठाता है और एकदम हैरान हो जाता है कि ओके नगीने ओका वापस मिल गए हैं, अब वो फिर से हर चीज देख सकता है। आयरन मैन उसे पूछा था कि ओका ये गिफ्ट कैसा लगा, तो कहा था कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हूं। तो आयरन मैन ने पर बतावत है कि तोरे आंख की रोशनी मोरे ऐप की वजह से ही वापस आई है, लेकिन परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। पर आयरन मैन को बूस्टर्स देकर कहा था ताकि वो ज्यादा दिन तक देख सके, पर मैट मना कर देता है, कहा था तलब बहुत खराब चीज है और मौका तोरे ऐप की तलब नहीं लगावे का है, और तेजनी गॉड बने की कोशिश कर रहे थे, मौका ही नहीं पसंद है। तो पर आयरन मैन कहा था मैं इंसान हूं लेकिन मैं आम इंसान से बहुत ज्यादा स्मार्ट हूं, तो मैं चेंज लावे की कोशिश करी हूं और अगर कोनो को उन्हें चाहिए तो मैं जबरदस्ती उन्हें का चेंज करी हूं। ये बोल के आयरन मैन उड़ जाता है। फिर मैट अपने दोस्त फॉगी के लगा फोन लगाए के उसे मिले का कहा था, कहा कि वो फिर से अंधा हो इससे पहले अपने दोस्त का चेहरा देखे चाहता है। बस इतना रहा, सब्सक्राइब करो और मिले था अगले वीडियो में।